क्योंकि मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, जाहिर है आज जरा मैंने कहा कि हम सारे कराची वालों ने बड़ा इंतजार किया है इस मोमेंट का, और हम हर पीएसएल ने बड़ी ख्वाहिश रखते थे कि काश ये दिन आए, और अल्हम्दुलिल्लाह दिन आया है, और इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा और बहुत जल्द आएगा कि जब हम फाते बनेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के। आप लोगों की भरपूर तालियों में जो कि आप लोग घरों पर बैठ के बजाएंगे, हमारे साथ मौजूद हैं कराची किंग्स के ओनर जनाब सलमान इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? वो कहते हैं ना फाइनली हम फाइनल में पहुंच गए। हाँ सही बात है। तो मैं कहूं कि खुश तो बहुत होंगे आप आज? मैं पहले खुश था, हाँ, फिर दुखी हो गया, हाँ, फिर खुश हुआ, फिर दुखी हो गया, फाइनली खुश हो गया। राइट right. मैं ये कह रहा था कि हम एज अ व्यूअर जब घर बैठे देख रहे थे, और एक ऐसा स्टेज था कि जब कमेंटेटर्स की भी कमेंट्री का खुलासा ये था कि अब तो बस कराची पहुंच गया फाइनल तक, ये उसके बाद जो बाजी पलटी, तो आपका हार्ट बीट मेरा ख्याल है आज उस एक घंटे और 40 मिनट में ठीक ठाक दफा ऊपर नीचे हुई होगी, ऐसे ही था? आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे साथ मैं आ गया था वापस मैच देखते से, मैं आधे मैच में उठ के आ गया था स्टेडियम से, वापस आ गया। हाँ मैं वापस इसलिए आ गया कि ना हम पीछे उतर सकते थे ना हम पीछे बैठ सकते थे, क्योंकि तो बायो बबल, तो मैं ऑफिस ऑफिस पे आ गया, मैं कहता मैच जीत गए। ये तो खबर दे रहे हैं आपके कराची किंग्स के ओनर इस यकीन के साथ कि मैच तो वन साइडेड हो गया, वापस आ गए थे। फिर आपने जब दफ्तर आके मैच देखा फिर क्या हुआ? मैंने कहा कि चलो आप कुछ काम कर लेते हैं, कुछ लगुना से कुछ काम कर लेते हैं। सही है। तो मैं इससे दफ्तर पहुंच गया, और जब हमने देखा चैडविक बाबर रदरफोर्ड, उसके बाद जो वेन पार्नर जो विकेट गिननी शुरू हुई, तो आपको अंदाजा नहीं है कि हार्ट बीट जो है ना मेरे साथ शायद 200 क्रॉस कर चुकी थी। अल्लाह हू अकबर। और ये हाल था कि शायद मुझे इस तिरोदे से कोरोना हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और सलमान भाई इससे पहले फाइनल का पूछूं, मुझे बताएं आज के मैच में फिर ऐसा कोई मोमेंट आया था कि जब आपको लगा, बेशक आपने किसी से कहा ना हो लेकिन आपको दिल में लगाओ कि ये गया मैच, ये निकल गया बात? मैं ये बात दिल पे रखे हाथ दिल पे रखे बात कर रहा हूँ। हाँ। जब तक इमाद और बाबर क्रीज पे थे, हाँ, मुझे यकीन था कि हम ये मैच नहीं हारेंगे। अच्छा, ओके। जैसे बाबर आउट हुआ, हाँ, उसके बावजूद आप खुद दफ्तर में होते हैं, आप पूछ लड़कों से, मैंने कहा था कि जब तक इमाद क्रीज पे है ना, ओके, मैंने ये लड़का कर जाएगा। मैं इसके ऊपर मैंने 5 साल भरोसा किया है इस लड़के के ऊपर, और ना मुझे आज तक बाबर आजम, ना आज तक इमाद वसीम, ना आज तक मुझे मोहम्मद आमिर, इन तीनों ने मुझे आज तक कभी जिंदगी में निराश नहीं किया। ओके। और आज इन तीनों ने मिलके मैच जिताया है। और जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल, मतलब तो... कि बाबर के 65, इमाद के लास्ट बॉल पर चौका, और मोहम्मद आमिर का अमेजिंग ओवर, सुपर ओवर में। ये तीनों ने, ये तीन लड़के मेरे साथ डे वन से हैं। ट्रू ट्रू। और इन तीनों ने मिलके आज कराची किंग को जिताया है, और कराची के अंदर जो खुशियां है ना, मैं बता रहा हूँ कि मैं बस चलते फिरते मैं चला गया कहीं पे, वहां पे सिर्फ ये बात हो रही थी, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह कराची किंग, कराची किंग, कराची किंग, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैच हमने, हमारा जो कोच था, उसके लिए हमने खेला था, क्योंकि दिनों की हमें बात नहीं भूलती, वो हमेशा कहता था मुझे, वो प्लेयर कहता था, प्लेयर को कहता था कि यू हैव वन जॉब, जस्ट वन जॉब, तो उसमें जीतना है। और मुझे वो आज तक बात नहीं भूलती कि जब दिनों वाज टॉकिंग टू मी एक घंटे बिफोर ही हैड अ कार्डियक अरेस्ट, एक घंटे। और मैंने ये ट्वीट भी किया था कि लड़का था अब्दुल्ला, लाहौर में एक्टाबाद से खेलता है, फास्ट बॉलर, में उसकी वीडियो भिजवाई थी मैंने, ओके, और डीनो ने ब्रेटली को दिखाया था, और ब्रेटली ने उसकी वीडियो की मुझे बताया था कि उसकी क्या खामियां हैं और क्या खासियत है। और मेरी, मैं कहीं मीटिंग में जाने वाला था, और मेरी व्हाट्सएप वीडियो पे बात हुई थी डीनो से, और डीनो मुझे कह रहा था कि सलमान यू हैव नो आइडिया हाउ फिट आई एम। अच्छा अच्छा। और एक घंटे के बाद मुझे एक पर्ची आती है, एक पर्ची आती है कि मेरे फोन से बाहर थे, मुझे एक पर्ची आती है, उस पर्ची में लिखा हुआ था डीन जोन्स पास्ट अवे कार्डियक अरेस्ट। आप किसी मीटिंग वगैरह में थे उस वक्त? हाँ, मैं इस्लामाबाद में था, किसी मीटिंग में था, और वो मुझे आज तक वो बात नहीं भूलती कि एक घंटे पहले मैंने उससे बात। और उस वक्त आपको मतलब ये बात जाहिर है बिल्कुल नाकाबिले यकीन लगी होगी कि ये तो नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता? हाँ, मतलब मैं उस वक्त मीटिंग छोड़ के मैं बाहर निकला, और मैंने अपना फोन देखा, और मैंने पूरी दुनिया देखी,
ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह पे डीनो की बात हो रही थी। तो इंशाल्लाह ये हम कप जीतेंगे, इंशाल्लाह इसके लिए जीतेंगे कप, और इंशाल्लाह डीनो के जीतेंगे कप। और फाइनल में आपने मैच पूरा देख के वापस आना है, आपने आधे मैच ये मेहरबानी कर दी। मैं कल से जा रहा हूँ बवल में विद द टीम। हाँ ओके, इंशाल्लाह ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सलमान इकबाल साहब, प्राउड ओनर ऑफ कराची किंग्स और इमाद वसीम।